नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। टीम इंडिया को सबसे पहले इस विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मैच हुआ है, क्या जबरदस्त मैच हुआ है। मैंने इस तरह की टीम जो चैंपियन की तरह जिसने शुरुआत की और चैंपियन की तरह लगातार उसके प्रदर्शन में हर मैच दर मैच जिस तरह का सुधार होता चला जा रहा है, जिस तरह की आक्रामकता आती चली जा रही है, उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। मैंने वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में किसी टीम को 50 रन के आसपास बुक कर देना ये कोई आसान बात नहीं है। वही श्रीलंका, श्रीलंका एक जुझारू टीम है और हमेशा लड़ती हुई चली आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में एशिया कप फाइनल से लेकर के और आज तक का जो कुछ भी प्रदर्शन रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो एक तरफा रहा है। एशिया कप के फाइनल में जहां 50 रन पर बुक कर दिया था और 300 से ज्यादा रन की जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह से आज वही प्रदर्शन, कहीं उससे बेहतर प्रदर्शन आज दोहराया है टीम इंडिया ने और 302 रन की विशाल जीत अर्जित करते हुए अंक तालिका में अपने आप को टॉप पर पहुंचा दिया है 14 अंकों के साथ। एकमात्र टीम है जो 7 मैच खेली है और 7ों में विजयी रही है और वो हर जीत अब एक बड़ी जीत हुई है, एक विशाल जीत हुई है और हर जीत में पूरी टीम एकजुटता के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। यही इसकी सफलता का शायद सबसे बड़ा राज भी है। अभी मैं कुछ दिनों पहले कहीं पढ़ भी रहा था कि जब विश्व कप शुरू हुआ 1975 और 1979 में, उस समय जब दोनों विश्व कप में वेस्टइंडीज की टीम चैंपियन हुई थी, तो उसके पीछे भी एक यही पॉजिटिवनेस सबसे बड़ा कारण था। आज उस पॉजिटिवनेस को स्वीकार किया है टीम इंडिया ने, टीम इंडिया प्रबंधन ने, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने, कप्तान रोहित शर्मा ने, पूर्व कप्तान विराट कोहली ने, और उसका नतीजा मैदान पर दिखाई दे रहा है। 5 मैचों में शुरुआत के हमने रन को चेज किया और भारी सफलता अर्जित की। उसके बाद 2 मौके ऐसे आए जब इंग्लैंड ने पहले हमको बल्लेबाजी के लिए कहा तो हम बल्लेबाजी किए, उसको 229 रन पर समेटे और उसको 100 रन से हराया। उसके बाद मौका आया श्रीलंका का, जिसके साथ हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि कुछ न कुछ तो लड़ाई होगी, लेकिन इस बार भी श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीत करके इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और हमने आज 350 से ऊपर रन बना करके उनको 302 रन से परास्त कर दिया। हालांकि पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सलामी जोड़ी जब मैदान में गई तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ प्रतिकूल भी हो सकता है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा अपने गृह नगर में खेल रहे थे, अपने गृह मैदान में खेल रहे थे जहां वो बचपन में उन्होंने क्रिकेट सीखा, क्रिकेट का काढ़ा सीखा और वहीं पले बढ़े। लेकिन पहली गेंद पर उन्होंने चौका जरूर लगाया, लेकिन मधुशंका की दूसरी गेंद उनका विकेट लेकर के चली गई। वो उस समय पूरा स्टेडियम में एक सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने जो 189 रन 189 की जो पार्टनरशिप की, दोनों बल्लेबाजों ने कभी भी रन रेट को 6 रन से नीचे नहीं जाने दिया, लगातार वो बल्लेबाजी करते रहे, संभालते भी रहे, रनिंग बिटवीन विकेट भी देखने लायक रही, चौके भी छक्के भी देखने को मिले। शुभमन गिल जो अभी तक बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी आज लाजवाब 92 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने भी 88 रन की पारी खेली। दुर्भाग्य दोनों बल्लेबाजों का कि वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोग तो ये मान करके चल रहे थे कि
वानखेड़े के पिच पर सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में विराट कोहली उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड बराबर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, वो उन्होंने टीम के लिए जो अपना योगदान दिया वो जबरदस्त रहा, लाजवाब रहा। रईस उसके बाद पिछले कुछ मैचों में जल्दी आउट होने पर आलोचना का पात्र बने श्रेयस अय्यर ने भी आज 82 रन की धुआंधार बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी धुआंधार इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने चौके कम लगाए, छक्के ज्यादा लगाए। बचा खुचा जो कुछ भी रहा बाद में रविंद्र जडेजा ने पूरा किया, एक अच्छा टारगेट दिया श्रीलंका को जीतने के लिए, चुनौती पेश की उनको। मगर जब फील्डिंग करने के लिए पहुंची टीम इंडिया तो स्पिन, ये जो पेस अटैक था, ये जो पेस अटैक है उसकी स्वप्निल शुरुआत जो हुई बुमराह की पहले ही गेंद पर पहला विकेट, उसके बाद भले दो वाइड हुई हो लेकिन बल्ले से रन बनता दिख नहीं रहा था, बल्लेबाजों को कुछ गेंद समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे ओवर में जैसा कि श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में किया था सिराज ने, आज फिर वही कहानी दोहराई, उन्होंने भी एक ओवर में दो विकेट लिए और विपक्षी टीम को एकदम से औंधे मुंह गिरा दिया। अब उसके बाद आए शमी, मोहम्मद शमी, वो मोहम्मद शमी जो पिछले चार मैचों में, शुरुआत के चार मैचों में जिन्हें बाहर बिठाया गया था और वो जब से लौटे हैं क्या बॉलिंग कर रहे हैं। माने इस तरह की पेस अटैक भारत के पास जो है वो फिलहाल कम से कम हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि दुनिया की किसी टीम में नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे 70 के दशक में, 80 के दशक में हमारे पास स्पिन तिकड़ी हुआ करती थी, स्वर्गीय बिशन सिंह बेदी साहब, इरापल्ली प्रसन्ना साहब और भागवत चंद्रशेखर साहब, उस तरह की तिकड़ी आज दिखाई दे रही है। पेस बैटरी, आग उगलती गेंद, लहराती हुई गेंद, माने पेस बॉलिंग में जो कुछ भी हो सकता है, इन स्विंग, आउट स्विंग, ऑफ कटर, लेग कटर, यॉर्कर, बाउंसर, सब कुछ का प्रदर्शन किया इन तीनों सीमर्स ने, गजब। और वो शमी 3 मैचों में 14 विकेट लिए, आने के साथ 5 विकेट, फिर 4 विकेट और आज फिर 5 विकेट। ये वो बल्ले गेंदबाज है जिसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने 14 मैच में 45 विकेट लेकर के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने 4 बार 5 विकेट लेने का कारनामा दिखा करके एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी कि कल्पना शायद 70-80 के दशक में या 90 के दशक में, हाल के दिनों में जब जवाहरलाल श्रीनाथ, जहीर खान, कपिल देव जैसे गेंदबाज हुआ करते थे तब भी ये लगता था कि एक एंड से तो ये बॉलिंग कर लेंगे, दूसरा एंड कौन होगा। अब दूसरा छोड़िए, वन चेन जो आएगा वो भी आप उसको भी आसानी से खेल नहीं पाएंगे। इस तरह का अटैक, गजब, लहराती हुई गेंद, वो तेजी, 140 के ऊपर की गेंद, किस टीम को, किस टीम के बल्लेबाजों में शर्म न पैदा कर दे, इस तरह की खौफनाक गेंदबाजी, जबरदस्त, क्या बात है। श्रीलंका के बल्लेबाज गेंद ढूंढते रह गए, गेंद ढूंढते रह गए। माने आलम यह था कि आप 3 विकेट तो इनका सिर्फ 2 रन पर गिरा दिया था सिराज और बुमराह ने, और उसके बाद तो फिर औपचारिकता मात्र रह गई थी। लेकिन बाद के बल्लेबाजों को भी, चाहे वो मैथ्यू हो जो कि सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, चाहे वो उनके कप्तान हो, कोई नहीं चल सका। और टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्ज की है, 302 रन की बड़ी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में अपना स्थान शीर्ष पर बना लिया है। 7 मैचों में 7 फतह, 14 अंक। अब
सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, अंक तालिका में इंडिया के नाम के आगे क्यों लग चुका है, क्यों मतलब क्वालिफाई कर चुकी है, और इससे बड़ा दिन कोई नहीं होगा। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से अब इनका प्रदर्शन हो रहा है टीम इंडिया का, जिस तरह से उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग हो रही है, निरंतर उसमें वृद्धि होती जाए, कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इस तरह की प्रार्थना भी हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि एक टुटका सा जो लगा हुआ है उसको भी अब समाप्त करना है। सेमीफाइनल भी हमको जीतना है, 2019 हो, 2015 हो, इन सब को एकदम से भुला देना है। अब याद रखना है तो सिर्फ ये कि 2011 के बाद 2023 में विश्व कप हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा, इंडिया का होगा, और इन्हीं सफलताओं के बीच एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से श्रीलंकन कप्तान ने आज शुरुआत में जब टीम इंडिया थोड़ी सी मुसीबत में थी, रोहित शर्मा का विकेट गिर चुका था, उन्होंने जिस तरह से मधुशंका और चमीरा को अटैक से तीन तीन ओवर करा करके अटैक से हटाया था, वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो भी गेंदबाज आया कोई नहीं चल सका उसके। ये इतना ही नहीं, चाहे विराट कोहली हो चाहे सुमन गिल हो, दोनों के कैच भी छूटे, वो कैच बनाए जा सकते थे और टीम इंडिया को संकट में डाला जा सकता था, लेकिन इसके लिए कप्तान या फील्डर्स ने वो काम नहीं किया, जिसका नतीजा विराट और गिल ने मिलकर के 189 रन की पारी खेली। विराट विराट हैं, आज विराट ने सुमन गिल को वो पाठ पढ़ाया जो 2011 में सचिन तेंदुलकर ने उनको पढ़ाया था, और यही नतीजा रहा कि दोनों ने मिलकर के एक टीम इंडिया को सम्मानजनक लड़ने लायक टोटल दिया। लड़ने लायक सम्मानजनक इसलिए कह रहा हूं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जो 350 का टारगेट दिया गया था वो इस विकेट पर चेजेबल था, यही तो शुरुआत में कहा गया था कि यहां पर गेंद बल्ले पर आएगी, हो सकता है कि दूसरी पारी में स्पिनर्स को कुछ दिक्कत हो, लेकिन स्पिनर्स जब तक आए तब तक एक ही विकेट तो बचा था और वो जडेजा ने अपनी झोली में डाल लिया। क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस, गजब, इसी तरह से अपना प्रदर्शन बनाए रखिए, विश्व चैंपियन बनिए, और जो 2011 के बाद से जो जीत का आईसीसी टूर्नामेंट का जो जीत का सूखा पड़ा हुआ था उस सूखे को हरा भरा कर दीजिए, सूखे को मिटा दीजिए, उसका नामो निशान मिटा दीजिए। हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि 5 तारीख को जो कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला होना है उसमें भी हम इसी तरह का परफॉर्मेंस करेंगे और दक्षिण अफ्रीका को भी परास्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप आज के लिए विदा लेता हूं आपसे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए, हम आपको हर मैच के बाद, हर मैच के पहले आपसे जरूर मुखातिब होंगे, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ, ये सब बताने के लिए। और चलते चलते मैं एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।